जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। ट्रेन से सफ़र करने के समय टिकट बुकिंग जितना आसान काम होता है, उससे ज़्यादा झंझट वाला काम होता है IRCTC की तरफ से पैसा रिफंड आने वाला। इसमें बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि पैसा कितने दिनों में वापस आएगा, मेरा पैसा कहाँ है, क्यों नहीं आया, कहाँ अटका हुआ है, कैसे पता करें, किस नंबर पर कॉल करें। आज आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने भी हाल ही में एक टिकट कैंसिल किया था, मेरा पैसा कितने दिनों में रिफ़ंड आया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है IRCTC के रिफ़ंड सिस्टम को लेकर आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस मेल को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 26 दिसंबर को एक टिकट कैंसिल किया था और उसका रिफ़ंड जो प्रोसेस किया गया है वो 27 दिसंबर को रिफ़ंड प्रोसेस किया गया था। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, रिफ़ंड अमाउंट के ठीक नीचे दिया गया है रिफ़ंड रेफरेंस नंबर, इसे रिफ़ंड रेफरेंस ID भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब मैंने टिकट बुक किया था तो किस माध्यम के थ्रू पैसा रेलवे के पास गया था, उसी माध्यम में पैसा वापस आएगा। मैंने फ़ोनपे के थ्रू पैसा कटवाया था, अब फ़ोनपे के थ्रू ही पैसा वापस आएगा। और IRCTC के इस मेल में एक छोटी सी और जानकारी दी गई है, अगर आपने पैसा नेट बैंकिंग वॉलेट के थ्रू कटवाया है तो 3 से 4 बिजनेस डेज यानी कि वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। वर्किंग डेज यानी कि सैटरडे संडे या फिर कोई भी अगर त्यौहार है, छुट्टी है, उन दिनों को छोड़कर बाकी के 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर पैसा नॉर्मली आपके अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए। अगर आपने अपना पैसा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू कटवाया था तो 6 से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए। अगर आपको ये मेल आ जाता है IRCTC की तरफ से, इसका मतलब है कि IRCTC ने पैसा भेज दिया है, बाकी का काम बैंक या फिर उस वॉलेट या ऐप का बचता है जिसको पैसा रिफ्लेक्ट करना है। फिलहाल दोस्तों, मैंने ये जो टिकट कैंसिल किया था इसमें मेरा पेमेंट 24 घंटे बाद यानी कि 24 से 48 घंटे के बीच में रिफ़ंड हो गया था। अगर आपका पैसा रिफ़ंड नहीं आता है, आप IRCTC के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर कॉल करके भी अपनी जानकारी ले सकते हो। टिकट का पैसा वापस आने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 से 4 दिन या फिर मैक्सिमम 6 से 7 दिनों के अंदर तो पैसा वापस आ ही जाना चाहिए। अगर तभी भी आपका पैसा नहीं आता है तो आप IRCTC से कॉन्टैक्ट करिए। अगर IRCTC की तरफ से आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया गया है तो फिर आपको अपनी बैंक या फिर उस ऐप या वॉलेट की कस्टमर केयर से आपको बात करनी होगी और आपको अपना रिफ़ंड रेफरेंस नंबर बताना होगा जहां से आप क्लियर होगा कि आपका पैसा कहां पर है। फिलहाल 24 से 48 घंटों के अंदर पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है रेलवे की तरफ से या फिर IRCTC की तरफ से। अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तत्काल टिकट आप बुक कर रहे थे उस समय आपका पेमेंट कट गया और रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा है, टिकट बुक नहीं हुआ है, तो वो वाला पैसा भी 24 से 48 घंटे के अंदर रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपके पास मेल आया है और मैसेज आया है तो आपका पैसा ज़रूर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर IRCTC पेमेंट रिफ़ंड से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरी होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जवाब दूंगा और अगर बिल्कुल आसान होगा तो मैं कमेंट में ही आपको जवाब दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।